आपने बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरीज में देखा होगा कि जब और कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो डॉक्टर कुछ तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की बात करते हैं और इस ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादातर रोगी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन काल्पनिक घटनाओं से हटकर क्या आपने कभी सोचा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, क्या इसमें दर्द होता है और क्या आप बोन मैरो दाता बन सकते हैं? आज हम इन सब पर और इन जैसे कुछ और सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बोन मैरो आपके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जैसा कि हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे शरीर में खून, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और कार्टिलेज आदि बनाने का काम बोन मैरो ही करता है। लेकिन जब ये काम करना बंद कर देता है या सही से काम नहीं करता है तो ये स्थिति जानलेवा बन जाती है। बोन मैरो के सही से काम ना करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए कैंसर, लिम्फोमा, संक्रमण, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि। ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया काफ़ी हद तक खून चढ़ाने की प्रक्रिया के जैसी ही है। इस ट्रांसप्लांट का सबसे पहला चरण है डोनर को खोजना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हो या आपकी बोन मैरो धीरे धीरे खराब हो रही हो तो डॉक्टर आपके शरीर से ही स्टेम सेल्स को निकाल कर रख लेते हैं ताकि बाद में ट्रांसप्लांट किया जा सके। इस तरह के ट्रांसप्लांट को ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन है तो वो भी आपको बोन मैरो दे सकता है। इस तरह के ट्रांसप्लांट को सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जिन लोगों के पास ऊपर बताए गए कोई भी उपाय उपस्थित ना हो वो तीसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं जिसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें आपके भाई बहन, माता पिता, परिवार वाले और ऐसे लोग जो आपसे संबंधित ना भी हो आपको बोन मैरो दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए डोनर का एक टेस्ट किया जाता है जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टिश्यू टाइपिंग या HLA टेस्ट कहा जाता है। 30% मामलों में परिवार का ही कोई सदस्य HLA टेस्ट में मैच कर जाता है। बाकी 70% लोगों को डोनर खोजने के लिए डोनेशन ड्राइव चलानी पड़ती है या फिर बोन मैरो रजिस्ट्री से संपर्क करना पड़ता है। डोनर मिलने के बाद दूसरा चरण आता है जिसमें डोनर के शरीर से बोन मैरो या स्टेम सेल्स निकाली जाती हैं। इसके लिए दो तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पहले तरीके में डोनर के हिप बोन इलियम से बोन मैरो का कुछ हिस्सा निकाला जाता है और अगर कोई बच्चा बोन मैरो डोनर है तो उसके स्टर्नम और टिबिया के ऊपरी भाग से भी बोन मैरो निकाली जा सकती है। दूसरा तरीका जिसे एफेरेसिस कहते हैं में डोनर को 5 दिन के लिए इंजेक्शन या दवा दी जाती है जिससे उसके खून में स्टेम सेल्स की मात्रा बढ़ जाए। फिर 5 दिनों के बाद डोनर के शरीर से खून को एक खास मशीन की मदद से फिल्टर करके स्टेम सेल्स को अलग कर दिया जाता है। पहले तरीके में एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है जबकि दूसरे तरीके में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह इन दोनों ही तरीकों में डोनर को किसी दर्द से गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए बोन मैरो का दान एक पेनलेस प्रोसेस है। ट्रांसप्लांटेशन के अगले चरण को कंडीशनिंग रेजिमेन बोला जाता है। इसमें रोगी की बीमार स्टेम सेल्स को और उसके पूरे इम्यून सिस्टम को कुछ तरीकों जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की मदद से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डोनर से जब स्टेम सेल्स रोगी के शरीर में डाली जाएं तो शरीर उन पर अटैक ना कर दे। इसके बाद आखिरी चरण आता है जो है ट्रांसप्लांटेशन। इसमें डोनर के स्टेम सेल्स को रोगी के खून में IV लाइन की मदद से पहुंचा दिया जाता है। बाद में ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में जाकर सेटल हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करने लगती हैं। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी आसान है लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कई बार रोगी के शरीर में स्टेम सेल्स सेटल नहीं हो पाती हैं और शरीर पर अटैक करने लगती हैं। इसे हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी बोलते हैं। इसके अलावा रोगी में अनीमिया, फेफड़ों और आंतों से खून आना, मोतियाबिंद, लिवर की खून की नलियों में क्लॉटिंग
और बच्चों में विकास देरी से होने की शिकायतें भी आ सकती हैं। किसी भी रोगी में ये शिकायतें आएंगी या नहीं, ये बात कई कारकों जैसे उम्र, स्वास्थ्य, बीमारी और ट्रांसप्लांट के प्रकार आदि पर निर्भर करती हैं। रोगी और उसके परिवार वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि रोगी का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वजह से घर को अच्छे से साफ रखना, मेहमानों को रोगी से मिलने से पहले हाथ धोने को कहना, खाना बनाने और पालतू जानवरों का ध्यान रखने में कुछ खास सावधानियां बरतना ज़रूरी है। जहां एक तरफ बहुत से रोगियों को डोनर मिल जाता है और उनकी जान बच जाती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों की डोनर ना मिलने की वजह से मौत हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार वालों से शेयर करें और उन्हें इस बारे में जागरूक करें। और अगर पॉसिबल हो तो अपने आप को किसी बोन मैरो रजिस्ट्री में रजिस्टर कराकर एक संभावित डोनर बनें। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।